Hey, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल गुरु भवन में। तो आज हम लेके आए हैं और एक नया और इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में। दोस्तों व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हमारे वीडियो को और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव बना देता है। आज इसका यूज काफ़ी सारा यूट्यूब कर रहा है और अपने वीडियो को एट्रैक्टिव बना रहा है, जिसका रीजन ये है कि वीडियो एनिमेशन का जितना सारा भी सॉफ्टवेयर है वो सब अब फ्री नहीं रहा, वो अब पेड वर्जन में आता है। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे वीडियो एनिमेशन सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज कर सकते हो और अपने वीडियो को एट्रैक्टिव बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों हम जितना सारा भी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किए हैं वो सब फ्री और ट्रायल वर्जन है, जिसका वीडियो हमने इसी चैनल में पोस्ट करके रखा है कि आप कैसे इन सॉफ्टवेयर को फ्री और ट्रायल वर्जन में यूज कर सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों व्हाइट बोर्ड एनिमेशन क्या होते हैं। दोस्तों व्हाइट बोर्ड एनिमेशन एक ब्लैंक स्पेस होता है, जिसकी सहायता से आप कुछ मोशन क्रिएट करके अपना ऑडियंस या फिर व्यूअर्स को अच्छी तरीके से वीडियो को समझा सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक इमेज बिना कुछ बोले ही काफ़ी कुछ कह जाता है। तो दोस्तों आप भी अगर उन यूट्यूबर में से आते हैं जो यूट्यूब में फेस कैम वीडियो नहीं बनाता है, तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों आप इसकी सहायता से काफ़ी सारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप इसकी सहायता से कार्टून वाला एनिमेशन भी बना सकते हो और अपना वॉयस भी ऐड कर सकते हो। वीडियो एनिमेशन का जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है वीडियो स्क्राइब, जिसको कि काफ़ी सारा लोगों ने डाउनलोड करके रखा है, जिसका रीजन ये है कि वो अब फ्री नहीं रहा, उसका यूज करने के लिए आपको उस सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है। दोस्तों YouTube में वीडियो बनाने के लिए काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में अगर वो इन सारे सॉफ्टवेयर को खरीदने लगे तब तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने अपने चैनल में YouTube में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर को आप कैसे फ्री में यूज कर सकते हो उसके बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो और आप अच्छे से वीडियो भी बना सके। जब आप YouTube से अर्निंग करने लगोगे तब आप इन सॉफ्टवेयर को खरीद सकते हो। दोस्तों हमने भी वीडियो स्क्राइब ऐप को डाउनलोड किए और इंस्टॉल करके फ्री में यूज करने की ट्राई किए, बट हम उसे फ्री में यूज नहीं कर पाए। तो उसके बाद दोस्तों हमने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एनिमिस एनिमेकर और ये बिल्कुल फ्री है, और इसमें आपको वीडियो स्क्राइब की तरह काफ़ी सारा मोशन फ्री में मिल जाता है। स्क्रीन पर चल रहा मोशन भी हमने इन्हीं सॉफ्टवेयर से क्रिएट किए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आप कैसे इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे फ्री में लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए चलिए अब इसे हम डाउनलोड करते हैं, फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और गूगल में जाके आपको टैप करना है एनिमिस एनिमेशन, और उसका वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो उसका वेबसाइट ओपन हो चुका है। आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ये देख सकते हो हमने उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में डाला गया लिंक से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अब आपको अपना सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड कर लेना है। आपका सिस्टम अगर 32 बिट का है तो आप 32 बिट का भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप 64 वाला पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लीजिए। मेरा जो कि 64 बिट वाला है तो हम 64 बिट पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा आपको इसका प्राइसिंग दिखेगी। ये देख सकते हो ट्रायल वर्जन भी है जो कि फ्री है, स्टैंडर्ड वर्जन भी है और प्रोफेशनल वर्जन भी है। आप चाहे तो इसे बाय भी कर सकते हैं, उसका प्राइस आपको नीचे दिख जाएगा। आप बाय नाउ पर क्लिक करके इसे बाय भी कर सकते हैं। हम जो कि इसको फ्री में यूज करना चाहते हैं तो सिंपल हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देख सकते हो हमारा डाउनलोड हो रहा है, हम इसका डाउनलोड होने का वेट करेंगे फिर इसे इंस्टॉल करेंगे। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। आपको इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है और इसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह ही इंस्टॉल कर देना है।
आपको इस पॉपअप विंडो पर रन एनीवे कर देना है। फिर आपके सामने वेलकम स्क्रीन ओपन होगा, आपको उस पर नेक्स्ट कर देना है। फिर इसके टर्म्स एंड कंडीशन पर चेकमार्क लगा के नेक्स्ट कर देना है। फिर से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट। उसके बाद आप इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए और ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो जाएगा। और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको फिनिश पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये ओपन होगा, आपको जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। आपको अपना वाईफाई या इंटरनेट को ऑन रखना होता है क्योंकि ये ऑनलाइन चलता है। फिर आपको इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। उसके लिए आपको ऊपर कोना में सिंग अप दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हैव नो अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसमें अपना ईमेल आईडी डालना होता है और पासवर्ड डाल के सिंग अप कर लेना है। आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिलहाल के लिए हम इसे बिलार कर रहे हैं। ये हमारा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो सिंग अप सक्सेसफुली लॉग इन योर अकाउंट नाम शो हो रहा है। अब ये रेडी है, अब आप इसका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से हैंड ड्रॉ मोशन बना के दिखाएंगे और भी काफी सारे एनिमेशन वाला वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको और एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get sick. Shrimps are pretty bad.